को बड़े अरसे से प्लान कर रहा था बहावलपुर के मशहूर ज़माना नेशनल पार्क लाल सोहनरा को विज़िट करने का। हालांकि सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पे है, मगर आज तक मैं जनूबी पंजाब की इस बड़ी अट्रैक्शन और ट्रैवल डेस्टिनेशन को देख नहीं पाया। मिक्स से व्यूज़ हैं लोगों के इसके बारे में, कुछ कहते हैं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जाना चाहिए। आज अपना एक व्यू बनाते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरा व्यू यही है कि ज़रूर जाना चाहिए, चाहे कैसी भी जगह है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इस पे मोहर लगाई है यूएन के शोहरा आफाक इदारे यूनेस्को ने। तो आज देखते हैं कि हमारा ये नेशनल एसेट किस हालत में है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि नेशनल पार्क होता क्या है। जहाँ तक मुझे मालूम है, एक ऐसी जगह जहाँ जंगली हयात हो, जंगलों और उसमें रहने वाले जानवरों की सूरत में, जिसका हमारे माहौल और आबोहवा से गहरा ताल्लुक हो, और उस माहौल, जंगली हयात और उस जगह को महफूज बनाने की जिम्मेदारी हुकूमत की हो, यानी वो जगह गवर्नमेंट की मलकियत हो, तो उसे नेशनल पार्क कहते हैं। इसकी हिफाजत सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं, हम सब पर फ़र्ज है, क्योंकि नेशनल पार्क उस माहौल को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्तसरन ये कि नेशनल पार्क फ़ख्र की अलामत होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ साइकिल का हिस्सा होती हैं, और ऐसी जगहों को अगर महफूज ना बनाया जाए तो दुनिया की आबो हवा किसी बड़े ख़तरे से दोचार हो सकती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। लाल सोहनरा फॉरेस्ट में तकरीबन हम आ गए हैं और यहाँ से अब करीब ही है। ये जो हम किनाल देख रहे हैं, जो नहर नज़र आ रही है, ये वंस अपॉन अ टाइम ये दरियाए हाकड़ा यहाँ पे हुआ करता था, और ये सहराई नहर के नाम से मशहूर है, जिसने इस पूरे इलाके को जो है ना जरखेज़ किया हुआ है। और जो ये जंगल है वो भी शायद इसी नहर की वजह से ग्रीन है। लाल सोहनरा नेशनल पार्क के एक तरफ सहरा है और दूसरी तरफ जंगल। 1,65,000 एकड़ पर मुहित इस नेशनल पार्क के 20,000 एकड़ पर जंगलात और 5,000 एकड़ पर झीलें और पानी के जखीरे हैं। सामने एंट्रेंस है लाल सोहनरा नेशनल पार्क की। इसकी तारीख तो इंसानी तहजीब से भी पुरानी है, उसकी तफसील में फिर कभी जाएंगे। अभी हम ज़रा देखते हैं कि हमारा नेशनल पार्क किस हालत में है। पब्लिक पार्क में जाने से पहले नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ एरिया को विज़िट करने का प्रोग्राम बनाया, जो पब्लिक पार्क के दाएं तरफ करीब 8 किलोमीटर के फासले पर है। ये अंदर बहुत सारे हिरन नज़र आ रहे हैं, जिनमें काले हिरन भी हैं, जो कि मोस्टली जगहों पर नापैद हो चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं हम कि क्या ये हमें अंदर जाने की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। ये हमें अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। अच्छा, ये बड़ी जनाब पुरसकून जगह है, यहाँ पे जंगली हयात है, हिरन बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, और ये एक बैठने की जगह इतनी अच्छी बनाई हुई है। बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन पीसफुल बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो बड़ी पसंद है इस तरह की जगह। तो हमारे साथ पार्क के ओनर्स भी मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या कितने हिरन हैं यहाँ पे। सर, यहाँ पे हमारे पास हैं 317 RD25 पे, यहाँ पे ब्लैक बक इंक्लोजर कहते हैं इसको, और इसी तरह का एक और जंगला भी है हमारे पास, वहाँ पे RD65 जो है, RD65 वहाँ पे भी हैं ये ब्लैक बक्स जो हैं, और ये हैं टोटली ब्लैक बक्स हैं। इसके मेल के सींगे हैं, फीमेल के सींग नहीं हैं, और मेल जो है इसका 3 साल के बाद अडल्ट होता है, जो सर्दियों में ब्लैक होगा, गर्मियों में फिर ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, कलर चेंज कर लेता है मौसम में। कलर चेंज करते हैं, ज़बरदस्त। और फीमेल जो है, फीमेल के सींग नहीं होते, वो 3 साल के बाद जब अडल्ट होती है वो ब्रीड करना शुरू कर देती है। इसका 6 मंथ का होता है पीरियड, और ये सिंगल बेबी देती है। और ये कितना बड़ा एरिया है यहाँ पे जो फेंस लगा हुआ है? अभी यहाँ पर जो है ये 28 एकड़ का एरिया है। और आपको बड़ा मज़ा आता होगा यहाँ पे, बिल्कुल जो है ना एक कुदरती माहौल में आप बैठे हुए हैं ना? जी बिल्कुल, मज़ा तो आता है, खुशी होती है। और आपको ये बताता चलूँगा, ये जो ब्लैक बक्स हैं, अगर पाकिस्तान में आपको कहीं और पर नज़र आएंगे तो वो ब्रीड इसी की, हमारे इसी जंगले की होगी, यहीं से लोग परचेज करके लेके। ये 1972 से ये जो हिरन है ना यहाँ पाले हुए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अगर कहीं ब्लैक बक्स नज़र आएंगे पाकिस्तान में,
तो वो यहाँ की ब्रीड है जो गए हुए हैं। बिल्कुल, ये लोग परचेज भी करते हैं ना, ये हमारे सेक्ट्री साहब लाहौर में बैठते हैं, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। 1 लाख का पेयर होता है ये, 60,000 की फीमेल होती है, 40,000 का मेल होता है। अच्छा, यानी अगर कोई भी खरीदना चाहे मैं भी खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हैं। 1 लाख का पेयर है और 60,000 की फीमेल है, 40,000 का मेल है, और लाइसेंस भी इसके लिए जरूरी होता है, लाइसेंस भी बना। अच्छा, ये जो सारे हिरन है इनमें अब कुछ जैसे काले नजर आ रहे हैं और कुछ ब्राउन है, लेकिन ये सारे ब्लैक बक्स ही है? ये है टोटल ब्लैक बक्स है, और जो सींग वाला अभी आपको जो ब्राउन नजर आ रहा है उसकी एज कम है, वो बड़ा होके काला होगा। चलें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। इस तरह की एक तो जगह जो है ना, इतने ज़्यादा हिरन जहाँ पे होते हैं वहाँ मैं पहली दफ़ा आया हूँ, और दूसरा ये कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिल गई है, मेरे इलम में भी इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहावलपुर के चोलिस्तान में ये एक हरी भरी जगह जो कि मेंटेन भी लग रही है। ये एक्चुअली पार्क है जो कि वेल मेंटेन्ड लग रहा है, कुछ सफाई का निज़ाम भी यहाँ बेहतर है। खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है ये, लश ग्रीन। बहावलपुर शहर बहुत प्यारा है वैसे, ग्रीन बहुत किया है इसको यहाँ की सरकार ने। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, सहराए चोलिस्तान की तपती हुई रेत के दरमियान में ये एक इतनी खूबसूरत जगह है। पार्क के काफ़ी सारे हिस्से हैं, कुछ प्लेग्राउंड्स हैं, कुछ बैठने की जगह हैं, सिर्फ बगीचे बने हुए हैं। ये बाकी प्रॉपर जंगल स्टार्ट हो रहा है, तो इस जंगल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आगे फिर वापसी का रास्ता मिलना मुश्किल होता है। नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। ये रेप्टाइल्स नज़र नहीं आया कैमरे में, रेप्टाइल्स बहुत हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा एहतियात करके चलना होता है। TDCP का रिज़ॉर्ट है यहाँ पे, लेकिन पहले से बुकिंग करवा लेनी चाहिए अगर आना है तो। नाइट स्टे के लिए अच्छे रूम्स हैं, एयर कंडीशन्ड, कोई 10 के करीब बनाए हुए इन्होंने फैमिली रूम्स। तो यहाँ पे रात को स्टे करके और सुबह सुबह ये पूरा नेशनल पार्क जो है ना, बड़ा आराम से बंदा घूम सकता है, जो दूर से आने वाले लोग हैं ना उनके लिए। और वैसे भी इवनिंग में यहाँ पे आएँ, नाइट स्टे करें, बारबेक्यू करें, बहुत अच्छा ग्रीन पार्क है। और नेक्स्ट डे जंगल सफारी, डेजर्ट सफारी, ज़बरदस्त। लेकिन गाड़ी अपनी होनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं इस तरह से। ये नीम के दरख्त हैं जो कि कई जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होते हैं, सहराई दरख्त ही है, लेकिन ये इतनी खूबसूरती से यहाँ लगे हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल साया किया हुआ है, हालाँकि काफ़ी धूप का टाइम है। ये मसनूई झील है या कुदरती है? मसनूई है, मतलब खुद नहर से पानी निकाल के इधर से किया हुआ है। सही, तो ये एक झील इन्होंने बनाई हुई है इधर, मजीद कुछ पार्क को अट्रैक्शन देने के लिए, और बोटिंग का भी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। अच्छा, ये अनवाओ इकसाम के परिंदे हैं इधर, यहाँ पे इन्होंने कैद किए हुए हैं पैरट्स। अगर किसी ने 30-40 हज़ार परिंदे इकट्ठे देखने हो तो सर्दियों में इस पार्क की किसी भी झील का रुख कर लें। डिफरेंट टाइप्स के मोर हैं,
इसके कलर्स डिफरेंट हैं, पहले नीला मोर था, अब ये ब्लैक और वाइट है। अब हमारी वापसी का टाइम हो गया है, पार्क भी खाली होना शुरू हो गया है। हालांकि अभी शाम नहीं हुई, अभी 4 बजने वाले हैं, लेकिन लोग जो दूर से आए होंगे ऑफ कोर्स जा रहे होंगे, जिस तरह मैं भी दूर से आया हूँ। बड़ा मज़ा आया पार्क में घूम के, मुझे तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है इस तरह की पीसफुल जगहों पे। ऑल दो ये एक सहराई जंगल है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। और इस सहरा के उस पार हिंदुस्तान है, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर है, बस एक लकीर खींची हुई है इंसानों के लिए। राजस्थान ये एक कंप्लीट डेजर्ट है, उसका दो पार्ट हैं, चोलिस्तान और राजस्थान। तो बहुत सारी जगह हैं अभी देखने वाली, स्टे ट्यून्ड। तो इंशाल्लाह देखते रहेंगे, फिरते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, यहाँ वैसे तो पार्क में भी कई जगह पे लिखा हुआ है सफाई का ख़ास ख्याल रखें, तो मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में भी कहता हूँ। तो मेरी गुजारिश होगी जो है ना, सबसे जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो वो जो है ना सफाई का ख़ास ख्याल रखें, यहाँ पर गंद ना डालें, क्योंकि ये हमारा अपना पार्क है और ये माहौल के लिए एक बड़ी अच्छी जगह है, माहौल को अच्छा रखने के लिए, तो इसका ख्याल रखें। आखिर में एक शेर अर्ज करता हूं अपनी जात की इस आवारगी के नाम, तू मिला न कर मुझे प्यार से, मुझे इश्क है तेरे वार से, तेरे कहर में तेरे जहर में, जो मिठास है मुझे रास है।